हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Why and How Official में। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पिन में एक छोटा सा कट होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कट क्यों होता है? अगर नहीं तो Why and How Official आपको इस बारे में जरूर बताएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रिक पिन पर इस तरह के कट होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कट आखिरकार क्यों होते हैं? हालांकि ऐसे कट सभी तरह के पिन पर नहीं होते हैं, बल्कि पीतल से बनी पिन पर ही होते हैं। पीतल बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक है और जब बिजली उस पीतल से होकर गुजरती है तो वह पीतल की पिन गर्म हो जाती है और जब कोई भी चीज गर्म हो जाती है तब वह फैलने लगती है और यदि पीतल की पिन फैल जाएगी तो वह प्लग में फिट हो जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी। उस पिन में कट होने की वजह से पीतल की पिन को फैलने की जगह मिल जाती है और पिन प्लग में नहीं फंसती है। पीतल की पिन होने के कारण उन पर जंग लगने की संभावना ज्यादा होती है और इसी वजह से निकल की पॉलिश कर उन पर कट लगा दिया जाता है, इसीलिए पिन पर कट होते हैं। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना और भी इसी तरह के Why and How से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल Why and How Official को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।